हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सुबह अलीशा अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपने कॉलेज की कुछ लड़कियों को लड़कों के साथ बातें करता हुआ देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। कॉलेज में आकर अपनी फ्रेंड तनीषा से वो बोलती है, यार आजकल के लड़कियों को शर्म लाज नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसी भी अनजान लड़के को देखकर खिलखिलाकर बात करती है, जैसे न जाने कितने जन्मों से जानती हो उसे। अरे तो बात करने में कौन लाज शर्म करता है आजकल, और तुझे क्या करना है इन बातों से? यार करना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियों की कोई लिमिट्स होती है, लाज शर्म भी होती है कोई। अलीशा यार क्या फालतू की दकियानूसी बातें कर रही है, तेरी बातें सुनकर ना मुझे गली की वो पुरानी सोच रखने वाली आंटियाँ होती है ना, उनकी याद आती है। अच्छा तू अब मेरी बातों का मजाक बनाएगी? मजाक कहाँ पागल लड़की, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू पैदा भले ही 21वीं सदी में हुई हो, लेकिन सोच तेरी बाबा आदम जमाने की है। क्या कहा तूने? मैं बाबा आदम के जमाने से लगती हूँ, रुक अभी बताती हूँ। इतने में ही तनीषा हंसकर भागने लगती है और अलीशा भी उसके पीछे भागती है। वैसे तो अलीशा बहुत ही बिंदास और मॉडर्न दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसके लुक से उसकी सोच का कोई मेल नहीं था। वो जितने नए जमाने की लड़की थी उतनी ही पुरानी थी उसकी सोच। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन उसके लिए एक बहुत बड़े और रईस घर से रिश्ता आता है, जिसके बाद उसकी शादी रोहन नाम के लड़के से हो जाती है। उसके ससुराल के सभी लोग बड़े खुले मिजाज के थे, यहाँ तक कि उसकी सास अनु भी। ऐसे ही एक दिन अलीशा सुबह सुबह उठकर अपनी सास अनु के पैर छूने लगती है और वैसे ही अनु बोलती है, अरे अलीशा बेटा तूने तो मुझे डरा ही दिया, और तू ये मेरे पैर क्यों पड़ रही है? बेटी खड़ी हो जा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है सासू माँ, आप मेरी सास है, आपके पैर तो छूने ही पड़ेंगे। अरे हाँ मैं तेरी सास ही हूँ, लेकिन तू मुझे अपनी माँ ही समझ, और ये सब ढकोसले करने से क्या होना है, मेरी ब्लेसिंग तो हमेशा तेरे साथ है। भला सास भी कभी माँ की जगह ले सकती है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, अब क्या खाक होगा। क्या हुआ और कुछ कहना है? हाँ वो मैं कह रही थी कि मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया है, आप कर लीजिए। तुमसे किसने कहा नाश्ता बनाने को? अरे घर में सर्वेंट है बेटा, इन सब कामों के लिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जाओ और अपना काम करो। उसकी ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से बोलती है, आखिर ये कैसा घर है जहाँ पर सास बहू को पैर नहीं छूने देती, परिवार वालों के लिए इतने प्यार से नाश्ता बनाया, उन्हें पसंद नहीं आया, अब बताओ अपने फर्ज बहू निभाए तो कैसे निभाए। अलीशा की सोच अपनी सास से बिल्कुल अलग थी, जिस वजह से उसे अपनी सास की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, अलीशा सुनो आज हमारी सोसाइटी की कुछ फ्रेंड्स आने वाली है हमारे घर, तुम समझ लो कि एक छोटी सी किटी पार्टी है, तो तुम भी हमारे साथ एंजॉय कर लेना। जी सासू माँ आप कहे तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ। नहीं नहीं तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बाहर से खाना ऑर्डर कर चुकी हूँ। सासू माँ आपके दोस्त हमारे घर मेहमान बनकर आएंगे, और वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं कि मेहमानों की खातिरदारी करना पुण्य का काम होता है, मेहमान भगवान समान होते हैं हमारे लिए, और भगवान को बाहर का बना खाना खिलाना ना 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 ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। अरे बेटा ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल के मेहमान पहले जैसे नहीं होते, वो तो घर के खाने की जगह बाहर का खाना ही खाना पसंद करते हैं। इतना कहकर अनु वासी चली जाती है और शाम होती है, अनु की सहेलियां घर आती है। उन्हें इतनी उम्र में भी फैशनेबल कपड़े पहना देखकर अलीशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जिसके बाद वो लोग अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। और उन्हें इतनी जोर से हंसते और बातें करता देखकर अलीशा मन में बोलती है, मैं तो बस लड़कियों को बुला करती थी, लेकिन आजकल की तो आंटियां भी कम नहीं है, उम्र के हिसाब से कितना स्टाइल मार रही है ये अपने, भगवान ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर में जब वो सब वहाँ से चली जाती हैं, तो अलीशा अपनी सास से बोलती है, सासू माँ आपकी सारी सहेलियाँ इसी स्टाइल में रहती हैं क्या हमेशा? मतलब? मेरा मतलब है कि उम्र जाने के बाद ऐसे बत्तीसी निकाल के खी 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 करना, जोर जोर से बोलना, ये सब आप लोगों को शोभा नहीं देता,
मेरी माँ तो जरा से भी ऊंची जबान में बात नहीं किया करती थी। अलीशा, कौन कैसे कपड़े पहने, कैसे बोले, बेटा ये उसकी मर्जी है। और आज के जमाने में हर औरत खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती है, तो इस बात का किसी की उम्र से क्या लेना देना। और बेटा, तेरी सोच इतनी पुरानी क्यों है? क्योंकि सासू माँ, हमें अपनी उम्र के हिसाब से सजना सवरना चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसे इसमें पुरानी सोच रखने वाली कौन सी बात हो गई? इसका मतलब तो तुझे मेरा यूँ हंसना खिलखिलाना भी पसंद नहीं होगा। तेरे हिसाब से तो मुझे बस भगवान के पास बैठे घंटी बजानी चाहिए। बेटा, मुझे लगता है ना तुझे अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अलीशा खुद से बोलती है, अरे ये जवाब तो सुनकर जाती, अपने आप को जवान समझती हो क्या? अरे इस उम्र में पाठ पूजा करनी चाहिए, फैशन नहीं। इतना बोलकर वो चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अलीशा के सर में थोड़ा दर्द होता है और वो आराम कर रही होती है, तभी वहाँ रोहन आकर बोलता है, अलीशा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, बस सर थोड़ा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। ओह, तो मेरी वाइफ के सर में दर्द है, तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी कॉफी बना कर लाता हूँ, जिससे तुम्हारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। अरे अरे, ये क्या कह रही है, मेरे होते हुए आप किचन में कैसे जा सकते हैं? पैरों से और कैसे? आप भी ना, मतलब बीवी के होते हुए पति काम करे ये शोभा थोड़ी देता है। मैं आपसे काम करवाकर खुद को नर्क में थोड़ी पहुंचाना चाहती हूँ। अरे यार, ये कैसा जोक है, मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आई। और वैसे भी किचन में बस औरतें ही काम कर सकती हैं, ये सब पुरानी सोच है, समझी? मैं अभी झट से गया और फट से तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही, और मुझे सच में कॉफी नहीं चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि आपको भूख लगी है, इसीलिए आपके हाथ डगमगा रहे हैं कुछ बनाने को। अरे अलीशा, मुझे कुछ नहीं खाना, सुनो तो। वो उसकी बातें सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है और उसकी ऐसी सोच पर रोहन को यकीन नहीं होता। ऐसे ही एक दिन रात के समय जब सब खाना खा रहे होते हैं, तभी रोहन बोलता है, माँ निक्की कहाँ है, आज उसका फास्ट है क्या जो खाना खाने नहीं आई अभी तक? निक्की तो? रोहन जी, आपकी लाडली बहना अभी तक घर नहीं आई है, तो खाना खाने कहाँ से आएगी? वो बोल ही रही होती है कि तभी निक्की घर आती है और अनु से बोलती है, लो आ गई मेरी बच्ची, कैसा रहा तेरा दिन? कुछ खास नहीं माँ, वही टीचरों के बोरिंग लेक्चर और दोस्तों के साथ फन। और क्या, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बना है? बैंगन का भरता। और यहाँ आओ, आराम से बैठकर खाओ, लगता है आज चलकर घर आई हो। घर आते आते 9 बज गए। हाँ, मैं तो इसी टाइम आती हूँ मोस्टली। वही तो सासू माँ, आप निकी को समझाती क्यों नहीं है? अरे अच्छे घर की लड़कियाँ इतनी देर रात तक बाहर थोड़ी ना रहती है, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना चाहिए। भाभी, कौन से जमाने में जी रही हैं आप, लड़कियों पर इतनी पाबंदियाँ आज के जमाने में नहीं होती। हाँ बहू, तुझे क्या हो गया, तेरी सोच इतनी पुरानी क्यों है? उस दिन भी तूने ऐसे ही किया था, ऐसे ही बातें करी जा रही थी। हाँ अलीशा, मैंने भी देखा है, हर बात को लेकर तुम्हारी सोच बिल्कुल ही रूढ़िवादी है। आदमियों का किचन में ना जाना और अभी लड़कियों का घर देर से आना ठीक नहीं। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की सब बराबर है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी पुरानी सोच को बदलना चाहिए? हाँ बहू, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के हिसाब से हमें अपनी सोच को बदलना भी जरूरी है, वरना तो तुझे अपने अलावा सबकी बातें गलत ही लगेंगी। अनु और रोहन अलीशा को उसकी पुरानी सोच को बदलने के लिए और चीजों को नई तरह से देखने के लिए समझाते हैं, और अलीशा भी उनकी बातों को संजीदगी से लेने लगती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू करती है। और फिर कभी भी अपनी सास या घर के बाकी लोग उसकी पुरानी सोच के लिए उसे ताने नहीं देते। अंजलि नाम की एक लड़की ट्रेन में अपनी सीट पर बैठकर रो रही होती है, तभी एक रवि नाम का लड़का चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है और अपनी सीट नंबर देखने लगता है, जिसके बाद वो अंजलि को बिना देखे ही हिचकिचाते हुए उसे बोलता है, मैडम आप जिस सीट पर बैठी है ना, वो दरअसल मेरी सीट है। अंजलि उसकी आवाज को सुनकर उसकी ओर देखने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रवि उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है, अंजलि तू यहाँ, पर ऐसी हालत में, और क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अंजलि उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है।
पर रवि उसको अपने साथ बैठा कर उससे बोलता है। यार तू हंसती हुई अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता कि तुझे क्या हुआ है, पर तुझे याद है ना कि मैं बचपन से ही तुझे उदास नहीं देख सकता, तो अब तुझे ना बस मुझे बताना होगा कि आखिर तुझे हुआ क्या है। कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ से जाने दो। अरे अगर कुछ नहीं हुआ तो तू ऐसी हालत में यहाँ पर क्या कर रही है, और तेरा पति ऋतिक कहाँ है? मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं हुआ, अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसका ये बर्ताव देखकर रवि उदास हो जाता है और कुछ साल पहले की बातें याद करता है, जब अंजलि सबको तंग किया करती थी, और किस तरह से जब वो फोन चला रहा होता है तो वो उसके पास आकर उसे गन्ने से मारकर बोलती है, ओए क्या कर रहा है, फोन चलाने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या तेरे पास? अरे यार तेरे पास भी तो मुझे मारने के अलावा और कोई काम नहीं है, वैसे तू मुझे मार क्यों रही है? अरे तू तो मेरी औलाद है, और वैसे भी मैंने ना अभी अभी कराटे सीखे हैं, तो बस वही ट्राई कर रही थी तुझ पर। हाँ गन्ने से मारकर कराटे, वैसे जरा मुझे भी बता किसने सिखाए हैं तुझे ये? छोड़ना मर जाएगा रे तू। अरे वो फिल्मी कीड़ा, रुक अभी बताता हूँ तुझे। जैसे ही रवि ये बोलता है अंजलि वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए घर के बाहर चली जाती है, जहाँ उसकी टक्कर ऋतिक से होती है। अंजलि उसको देखती है और बस देखती रह जाती है, तभी वहाँ रवि भी आ जाता है और उन दोनों को देख कर अंजलि से बोलता है, अरे क्या हो गया तुझे, कहाँ खो गई? मैं अंजलि, आप वैसे आपको यहाँ पहले कभी देखा नहीं। मैं ऋतिक, वो मैं यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो, मैं इतने भी सुंदर नहीं हूँ। हाँ, वो बस चलो, कुछ तो अपने बारे में सच जानती है। अंजलि उसकी ये बात सुनकर उसको घूरने लगती है और कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर अंजलि बस ऋतिक के बारे में सोचती रहती है और रवि से उन दोनों की बात करवाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो दोनों अगले दिन उसी टाइम पर उसी जगह पर जाते हैं, पर अंजलि को ऋतिक नहीं दिखता। उसको वहाँ ना देखकर वो उदास होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर ऋतिक पर पड़ती है और वो रवि से बोलती है, यार वो देख, वो रहा ऋतिक, अब चल जल्दी से उससे मेरी बात करवा दे और नंबर भी दिलवा दे। एक ही दिन में नंबर भी? और क्या, भूल गया क्या तू, ये यहाँ पर अपने दोस्त की शादी में आया था बस कुछ ही दिनों के लिए, अगर चला गया तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? उसकी ये बात सुनकर रवि उसके साथ मुंह बनाते हुए ऋतिक के पास जाता है, जहाँ रवि के कुछ बोलने से पहले ही अंजलि खुद ही उससे बात करने लगती है और दोनों रवि को वहीं छोड़कर अपने में मस्त हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद ऋतिक अपने शहर चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात भी बता देते हैं। ऋतिक अंजलि के बारे में अपने घर वालों को बता देता है और वो दोनों शादी का फैसला लेते हैं, जिसके बाद अंजलि अपने घर वालों को ऋतिक के बारे में बताती है, पर उसकी फैमिली इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देती है, जिसके बाद अंजलि घर से भागने का फैसला लेती है और इसके लिए वो रवि से हेल्प मांगती है। उसकी ये बात सुनकर रवि उसे बोलता है, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच रवि, तू ये जो कुछ भी मेरे लिए कर रहा है मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। रवि ये सब सोच ही रहा होता है कि टीटी उसके पास आता है और उसे टिकट मांगता है, जिससे वो अपने पुराने दिनों से बाहर निकल आता है और अंजलि को भी अभी वैसे ही वापस उदास देखता है। रवि टीटी को टिकट दिखाकर अंजलि को पुरानी बातें याद दिलाता है और उसे हंसाने लगता है। अंजलि के मुंह पर हंसी देखकर रवि उससे एक बार फिर उसकी हालत के बारे में पूछता है, तब अंजलि रोते हुए उसे अपनी कहानी बताते हुए बोलती है, ऋतिक से भागकर शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो आज मैं भुगत रही हूँ। शादी के कुछ दिन बाद एक रात ऋतिक नशे में घर आया और मेरे ऊपर हाथ उठाकर उसने मुझसे कहा, मुझसे दूर आग रो समझी, जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरा जीना आराम कर दिया है, मनहूस हो तुम मेरे लिए, जब से तुम आई हो मेरी लक्ष्मी मुझसे रूट गई है। अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे और सिर्फ मेरे ही पैसों को उड़ाओगे तो कहाँ से लक्ष्मी आएगी तुम्हारे हाथों में? जुबान चलाती है मुझसे,
जो अपने माँ बाप की ना हो सकी, अरे वो मेरी क्या होगी। अपने माँ बाप की ना कटवा कर भाग गई घर से, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मिली थी तू मुझे। इतना सब हो जाने के बाद मैंने उससे कुछ नहीं बोला, और देखते ही देखते उसकी नफरत मेरे लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे बीच का प्यार ही खत्म हो गया। उसके साथ जो कुछ भी गलत होता वो सारा का सारा दोष मुझ पर डाल देता। बस इसीलिए मैं उससे दूर होने का फैसला करके यहाँ आ गई और उसे छोड़ दिया। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये चीज जरूर पता है कि मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। तेरे साथ इतना सब हो गया और तूने मुझे एक बार बताना जरूरी भी नहीं समझा। पता है उस दिन मैंने तुझे तो ऋतिक के साथ भगा दिया, लेकिन उसके बाद मेरा क्या हुआ। रवि उसको उस दिन का हादसा बताता है कि किस तरह उन दोनों को भगा कर जब वो घर गया तो अंजलि के भाई ने मिलकर उसको मारा और रवि के माँ बाप ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये सब बताकर वो उससे बोलता है, तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा यार, कम से कम मुझे तो बताती। उसकी ये सारी बातें सुनकर अंजलि उससे माफी मांगती है और रवि उससे बोलता है, चल कोई बात नहीं तेरे साथ जो भी हुआ, पर इतना सब होने के बाद भी तेरे माँ बाप तेरे साथ है, तू घर चल। क्या मुँह लेकर जाऊँ उनके पास, अगर उन्होंने मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं किया तो मैं क्या करूँगी। अरे मुझ पर विश्वास है ना। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि ट्रेन रुक जाती है और रवि उसका हाथ पकड़ के उसके साथ ट्रेन से नीचे उतर जाता है और उसको उसके घर ले जाता है। घर जाकर वो अपने माँ बाप से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, जिसके बाद अंजलि की फैमिली इतने दिन दूर रहने की वजह से अंजलि की हालत देखकर उसे माफ कर देती है। इसी के साथ साथ उसे गले भी लगा लेती है। अंजलि अपने माँ बाप के साथ अंदर जाती है तो वहाँ ऋतिक को देखती है। ऋतिक को देखकर अंजलि को उसके सारे अत्याचार याद आते हैं, जिसके बाद में वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। पर ऋतिक उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझे पता है मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम मुझसे दूर हुई तब मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चला। माफ कर दो, एक मौका दे दो, ऋतिक सच में सुधर गया है। रवि और उसके माँ बाप के कहने पर अंजलि ऋतिक को एक और मौका देती है, जिसके बाद वो सुधर जाता है और एक अच्छे पति की तरह अंजलि का ख्याल रखने लगता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।